मैच बहुत खूब था, कोई मतलब बहुत मुश्किल मैच से निकल के आ गया, बिल्कुल नहीं थी वो, वहां से जो इंडिया मैच निकाल के लाई है। पाप रहता वर्ल्ड कप का कोई फाइनल मैच होता ना उसमें मजा नहीं आता, जो इंडिया ने आज के मैच में कराया। मैच बहुत खूब था, कोई मतलब बहुत मुश्किल मैच से निकल के आ गया, बिल्कुल नहीं थी वो, वहां से जो इंडिया मैच निकाल के लाई है। जी ऋषभ पंत ने थोड़ा स्कोर संभाला था इंडिया टीम का, लेकिन जो बाद में बॉलिंग और फील्डिंग हुई है, मेन तो जो इंडिया की बॉलिंग हुई है, बुमराह, सिराज, हर्षदीप, और मेन बॉलिंग और फील्डिंग से हम मैच खींच पाए, क्योंकि आखिर में जाकर जो मेन मैच खींचा गया, बुमराह की बॉलिंग बहुत शानदार रही, बुमराह हर्षदीप की बॉलिंग बहुत शानदार रही, और फिर मैच जीत गए। और राजवाड़ा का माहौल है मैच जीतने के बाद। मैच तो बहुत पहले जब इंडिया की बैटिंग हुई तब मैच बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि रन बहुत कम बने थे, हमें ये लग रहा था कि बहुत जीतना बहुत मुश्किल है, और विराट कोहली जैसे 4 रन पे आउट हो गया तब बहुत दुविधा में आ गए थे कि मैच जीत पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब बॉलिंग हुई, जब तगड़ी बॉलिंग हुई, तब हमें विश्वास हुआ कि नहीं, आज हम जीतेंगे और बहुत अच्छे रनों से। भारत की जीत पूरा देश की जीत है, इस जीत का हम हमेशा जश्न मनाते हैं आज बड़ा पर। हमारे इंदौर की परंपरा है कि भारत जब भी जीतती है और जीत का हमें जोरदार मनाता है। आप देख सकते हैं पीछे कितना उल्लास है, कितने पटाखे फूट रहे, पाकिस्तान में इतना पैसा नहीं, उससे तो पटाखे यहाँ फूट रहे हैं पाकिस्तान का। देखिए आप इंडिया। इफ्तिकार अहमद ने तो प्रोटीन खाया था 6 सिक्स मारने को बुमराह पे, बुमराह के ओवर में, पर वो भी नहीं कर पाया वो। आज पाकिस्तान एक बार फिर हारी है इंडिया से, क्या बोलेंगे उसके? फालतू टीम है, उन्होंने बंद करना चाहिए क्रिकेट पूरा, क्रिकेट बोर्ड ही बंद करना चाहिए। उनके अलावा की जय भाई, वो बोलना नहीं चाहिए, बाप बाप रहता। बड़ा मजा आ गया आज मैच देख के। पहले तो मैं जब पहली इनिंग देखी मैंने पाकिस्तान की, तो मुझे लगा इंडिया हार जाएगी, पर मगर जैसा लास्ट की इनिंग मैंने देखी इंडिया की अपनी, और जब इनिंग देखते थे मैं, मुझे लगा कि बुमराह ने और कई अच्छे बॉलरों ने बॉलिंग अच्छी करी है, लास्ट में इतना अच्छा प्रदर्शन करा है कि देखने दिखाने लायक था। और इस मैच में देखने में शायद ही वर्ल्ड कप का कोई फाइनल मैच होता ना उसमें भी मजा नहीं आता, जो इंडिया ने आज के मैच में कराया, और खास करके जैसे बुमराह ने अच्छी बॉलिंग डाली है लास्ट में, इतनी अच्छी बॉलिंग डाली है, बस उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा था एक लास्ट टाइम पे कि इंडिया नहीं जीत पाएगी, क्योंकि रन एक तो इतने कम थे और विकेट इतनी ज्यादा दे रही थी, फिर अचानक से कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ, बस रुक ही बदल दिया, अचानक से ऐसा हुआ कि पता नहीं क्या हो गया, इंडिया ने इतना अच्छा करा आज, बस पूछो मत ना, इतना तो शायद वर्ल्ड कप में मजा नहीं आता था जो मुझे आज मैच देख के मजा आया। आज का मैच ऐसा था कि मतलब पूछो मत, रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच थे आज, क्योंकि पहले तो ऐसा लगा कि इंडिया जब बैटिंग कर रही थी और
स्कोर भी काफी लो बना, काफी निराश भी हुए कि काफी लो स्कोर है 20 ओवर में 90 ओवर में 19 ओवर में सारा ऑल विकेट डाउन हो गया। देन सेकंड इनिंग स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इजीली चेस कर लेगी पाकिस्तान, बट धीरे धीरे इंडिया के बॉलर्स इतना बढ़िया बॉल डाला, बुमराह जैसे बॉलर इतना बढ़िया बॉल डाला कि मजा सा आ गया। मतलब सारे आज जो भी भारतवासी, जितने भी भारतवासी होंगे, उनको आज मजा सा आ गया होगा मैच देखने में, और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करा हमारे इंडिया के खिलाड़ियों ने। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, इतना बढ़िया मैच था, मतलब बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया। पाकिस्तान और इंडिया का मैच सबसे बेस्ट मैच होता है।